हेलो गाइस, तो आज के लेक्चर में अपन बात करेंगे रिप, ड्राफ्ट और शेल इन तीनों फीचर्स के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक बार अपना डायमेंशन एमएम कर लेता हूँ और प्लेन को चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे अपन रिप। तो मैं एक रेक्टेंगुलर, मैं एक क्यूबॉइड, पहले एक मैं क्यूबॉइड बना लेता हूँ। ठीक है, ओके, फ्यूचर में मैं इसको एक्सट्रूड कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो ये अपना यहाँ तक कंप्लीट हो गया। अब जो रिप फीचर का काम क्या है, मान लो आपको इन इन दोनों के बीच में एक पिलर टाइप आपको बनाना है, यानी रिप। ठीक है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रिप कमांड का यूज करेंगे। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, मैं एक प्लेन क्रिएट कर लेता हूँ, या तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं तो हाँ ठीक है। तो उसके लिए करना होता है कि आपको इसके टॉप सरफेस से और इसके टॉप सरफेस तक एक लाइन खींचनी है। तो अभी तो मैं आपको एक प्लेन क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और उस प्लेन को मैं इस फेस के पैरेलल कर लेता हूँ। ठीक है, और इसको मैं फ्लिप, इसको कर देते हैं अपन 100, 50, 50 भी ज़्यादा, 20। ठीक है, इसको कर देते हैं 30। ओके, ठीक है, तो अभी अपना प्लेन क्रिएट हो गया। तो आपको जितने भी डिस्टेंस पे इसको करना है उतने डिस्टेंस पे इसको बना दे। ठीक है, अब मैं इस प्लेन को नॉर्मल करता हूँ। ठीक है, और इस पे स्केच यानी लाइन क्रिएट करता हूँ। ठीक है, इस एंड से इस एंड तक। ठीक है, इसको ऐसे, फिर ये आपकी लाइन क्रिएट होगी। अब आपको क्या करना है कि फीचर्स में जाना है, रिप को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो आप ये येलो कलर का देख लेंगे, इसका मतलब क्या है कि जो ये आपकी लाइन है ना, इस लाइन से दोनों साइड की तरफ क्रिएट होगा। जैसे मैं एक बार आपको इसको व्यू करके दिखा देता हूँ। ओके, अच्छा, इसके डायरेक्शन को चेंज कर देते हैं, इसका डायरेक्शन ऊपर है। ठीक है, ओके, आप शो करते हैं, तो ये आप देख लेंगे इसको दोनों साइड, यानी जो आपकी लाइन थी उसके दोनों साइड ये क्रिएट करेगा। ठीक है, और इसी तरीके से आपको वन साइड क्रिएट करना है तो इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद कितनी आपको इसकी वो चाहिए थिकनेस, तो आप उस हिसाब से इसको यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से इसमें है एक एंगल वाला। अब एंगल वाला क्या कहता है कि अभी इससे पहले अपन ने इसको देखा था, मतलब इसको प्रूव किया था, तो उसमें क्या था, ये बिल्कुल एज ए स्ट्रेट लाइन की तरह था। मतलब यानी एक आप बोल सकते हैं कि प्लेन प्लेन था। जैसे मैं एक बार उसको आपको दिखा देता हूँ, इसको ऑफ करके। ठीक है, तो आप ये देखेंगे बिल्कुल ये स्ट्रेट है बिल्कुल। ठीक है, अब मुझे इसको, इसके जो इस फेस को मुझे कुछ एंगल पे चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, एक बार इसको मैं ये करता हूँ, इस पे जाऊँगा और यहाँ आपको जितना भी एंगल चाहिए, मान लो मैं करता हूँ मुझे 10 डिग्री चाहिए, 10 डिग्री किया। अब अपन इसको देखते हैं, 1 मिनट, ठीक है, तो ये आप देख लेंगे, देखो ये यहाँ से बाहर की तरफ गया है 10 डिग्री। तो आप
अपने हिसाब से जो भी आपको चेंजेस करने हैं, जितने भी डिग्री पे आपको चाहिए क्रिएट करना है, उस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, ठीक है, इजीली। तो ये आप शायद आई थिंक ये रिव फीचर समझ गए होंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत आए तो आप मुझे कमेंट कर दें, तो मैं आपको और अच्छे से समझा दूंगा, ठीक है। अब इसमें एक बार मैं आपको एक चीज़ इसमें बॉक्स में क्रिएट करके दिखाता हूँ। तो अभी एक बार आप बॉक्स में भी बात कर लेते हैं। ठीक है, एक मिनट, इसको मैं एक बार इसको एक बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। अब बॉक्स के लिए आपके पास दो ऑप्शन है, ठीक है। एक तो आप क्या कर सकते हैं, इसके टॉप वाले सरफेस पे एक रेक्टेंगल ड्रॉ करके, जितनी भी आपको दोनों तरफ से मतलब इसकी चारों साइड से जितनी भी थिकनेस चाहिए उतनी आप उतने डायमेंशन का एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लो, उसको एक्सट्रूड कट कर दो जितनी डेप्थ तक चाहिए। ये तो ये कि अगर आपको अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बॉक्स की डायमेंशन चाहिए, ठीक है, मतलब उसकी कितनी थिकनेस चाहिए, नीचे से उसकी कितनी, और अगर आपको इक्वली अमाउंट है, मतलब यानी मुझे यहाँ से यहाँ से यहाँ से चारों साइड से और बॉटम से इक्वल थिकनेस चाहिए ना, तो मैं क्या करूँगा, शेल फीचर यूज करूँगा, ठीक है, इस पे इसको चूज करूँगा, जितना भी मुझे चाहिए उसको मैं ओके कर दूंगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, जो शेल फीचर क्या करता है, ये चारों साइड से, ठीक है, और इसके बॉटम से, मैं एक बार बॉटम वाला भी आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, तो देख रहे होंगे गाइस, तो ये सारी साइड से क्या करेगा, इक्वली थिकनेस क्रिएट करेगा। तो जब आपको इक्वली चाहिए हो तो आप इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है, शेल फीचर का। तो अब अपन बात करते हैं अपने रिब की। तो सबसे पहले मैं इसके टॉप फेस को नॉर्मल कर लेता हूँ, ठीक है, और इस पे मैं स्केच क्रिएट कर लेता हूँ लाइन, ठीक है। ठीक है, तो अभी देखो काम कैसे करता है। जैसे मैं फीचर में गया, अपने रिब फीचर पे सेलेक्ट किया, ठीक है, ये अपना आप ऑटोमेटिक क्रिएट कर देगा। जैसे मैं आपको इसको शो करके दिखाता हूँ, तो ये देखना, देखो अपन ने बस एक इतनी सी लाइन खींची थी, मतलब इतनी सी लाइन है ना, तो ये क्या करता है, ये रिब फीचर ऑटोमेटिक ही इसको इस एंड से इस एंड तक ले जाता है, मतलब आपको पूरी कंप्लीट लाइन खींचने की जरूरत नहीं है, ठीक है। एक बार मैं इसको ओके करके दिखा देता हूँ, ठीक है, तो ये देखो इसने अपना आप ही उसको कंप्लीट लाइन फिल कर दी, मतलब पहले इसने इस लाइन को कंप्लीट की, फिर इस लाइन को कंप्लीट की, तो इसका एंड यहाँ पर आ गया, तो ये यहीं पर ही एंड हो गया, फिर इसने इस लाइन को कंप्लीटली इस सरफेस से इस सरफेस तक कंप्लीट कर ली, ठीक है। तो आई थिंक आप रिप फीचर का यूज समझ गए होंगे। अगर उसके बाद भी अगर आपको कोई दिक्कत आती है आप मुझे कमेंट कर देना, मैं नेक्स्ट जो भी वीडियो डालूंगा आपके उस डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो अब इसके बाद बात करते हैं ड्राफ्ट फीचर की। ड्राफ्ट फीचर क्या होता है, जैसे कि एक बार मैं इसको आपको नॉर्मल करके दिखाता हूँ, ठीक है, तो आप ये देख रहे होंगे कि इसके ना सारी साइडें क्या है, सेम है, ठीक है, जैसे सारी देख रहे होंगे आप बिल्कुल प्लेन है। मतलब अगर मुझे क्या करना है, इसकी इस साइड को कुछ एंगल पे चाहिए, ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करते हैं, ड्राफ्ट फीचर को यूज करते हैं, ठीक है। अब उसके लिए तो ड्राफ्ट फीचर कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले आपको क्या करना है, ड्राफ्ट फीचर में जाना है, ठीक है, यहाँ आता है नेचुरल प्लेन, पार्टिंग प्लेन, स्टेप ड्राफ्टिंग। तो ये क्या अलग अलग होते हैं, मतलब इसमें आपको क्या करना होता है, स्केच क्रिएट करना होता है। एक जैसे मान लो मैं क्या करूँगा, इसके एक मिड में एक स्केच क्रिएट कर दूंगा, फिर ठीक है, तो उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इस मिड से बॉटम तक मुझे एक ड्राफ्ट, मतलब एक अलग एंगल चाहिए, और ऊपर तक मुझे बिल्कुल इसका स्ट्रेट, मतलब यानी फ्लैट सरफेस ही चाहिए, ठीक है, तो इसलिए इसको यूज करते हैं। तो इसके बाद अपन बात करते हैं, ठीक है, ठीक है, तो अब अपन इसमें ड्राफ्ट की बात करते हैं। तो जैसे कि इसमें आप एक पहले तो एक न्यूट्रल फेस मान लो, मुझे क्या करना है कि इस बॉटम को तो क्या रखना है, एज इट इज। अब इस बॉटम के रेस्पेक्ट में इन सारे फेसों को मुझे 10 डिग्री बाहर की तरफ आउटवर्ड करना है, ठीक है, 10 डिग्री आउटवर्ड करना है। तो मैं एक बार इसको एंगल कर लेता हूँ 10 डिग्री, और मुझे अब इन सारे फेसों को करना है, तो मैं एक बार इन सारे फेसों को सेलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है,
10 डिग्री किया और अप्लाई, तो ये आप देख रहेंगे ये बाहर की तरफ निकल गया। ठीक है, आप चाह सकते हैं जैसे मैं एक बार इसको 5 डिग्री करता हूँ, ठीक है, जैसे 10 डिग्री किया था तो मैं एक काम करता हूँ 15 डिग्री कर देता हूँ इसको, और अब इसके ना अपन डायरेक्शन चेंज करते हैं। ठीक है, इसका डायरेक्शन तो ठीक है ना, ओके, कोई दिक्कत नहीं, अप्लाई। ठीक है, ये डायरेक्शन चेंज का मतलब ये था कि अब इसको अपन ने 15 डिग्री किया तो ये इसको इस शेप में कर दिया और अपना ये यहाँ से कट था ये। तो कहने का मतलब ये है कि आप इसको जितने एंगल पे आपको चाहिए होगा आप उतने एंगल पे इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसके लिए बस करना क्या है, एक सबसे पहले एक फेस को चूज करना है जो भी मतलब न्यूट्रल फेस हो, मतलब जिसको आपको के एक्सपेक्ट में करना है। तो मैंने इस वाले को कर लिया था, और जितने भी फेस को करना है, मान लो मैं क्या करता हूँ, ओनली मुझे इस एक फेस और इस दो फेस, इन दो को तो मुझे करना है 5 डिग्री। ठीक है, और उसको बाकी को करना होगा 10 डिग्री, तो मैं इसको करके ओके कर देता हूँ। ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा 5 डिग्री। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इन दोनों को करना है 10 डिग्री, तो मैं वापस अपने ड्राफ्ट में जाऊँगा, इसको सेलेक्ट किया, अब इन दोनों फेसों को मुझे करना है 10 डिग्री, ओके, और अप्लाई। तो गाइस ये देख लेंगे आप, ये मेरा 10 डिग्री हो गया। ठीक है, तो जिस भी तरीके से आपको करना हो इसका यूज आप कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये लेक्चर मैं यहीं पर ही कंप्लीट करता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में अपन बात करेंगे रैप इंटरसेक्ट और इंटरसेक्ट फीचर की। ठीक है, और उसके बाद अपना रेफरेंस जियोमेट्री और ये भी अपन इसके बारे में, मैं एक बार रेफरेंस जियोमेट्री के बारे में इसमें ही बता देता हूँ। ठीक, तो रेफरेंस जियोमेट्री में क्या क्या होता है, एक तो होता है प्लेन, एक्सिस, कोऑर्डिनेट सिस्टम, पॉइंट और रेफरेंस मेट, मेट रेफरेंस। इसकी तो अभी इतना ज़्यादा ये नहीं, अपन प्लेन। अब प्लेन का काम क्या होता है कि जैसे आपको कभी क्या करना होता है कि एक बीच में स्ट्रक्चर बनाना होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था। ठीक है, जैसे मेरे को क्या करना है, एक प्लेन क्रिएट करना है। ठीक है, ठीक है, तो किसके रेस्पेक्ट में, मान लो मैंने क्या किया, मुझे इस फेस के रेस्पेक्ट में चाहिए अंदर की तरफ। ठीक है, कितने डिस्टेंस पे, 30 पे। तो अभी देखो इसमें ये इस फेस के मुझे क्या चाहिए, पैरेलल में चाहिए, परपेंडिकुलर में चाहिए, कोसेंट्रिक चाहिए, तो जिस भी तरीके से आपको चाहिए आप वो ऑप्शन चूज कर लें, एंगल पे चाहिए, डिस्टेंस पे चाहिए। ठीक है, और जितने पे भी आपको चाहिए आप उस हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं, जहाँ भी आपको। ये क्या होता है, जैसे मान लो आपको मिड में, जैसे मान लो मुझे इस वाले पोर्शन में एक स्केच करना था। ठीक है, ये जो होल दिख रहा है ना, मतलब ठीक है, इस वाले पोर्शन में, बीच वाले पोर्शन में, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले बीच में एक प्लेन क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें स्केच क्रिएट करूंगा, उसके बाद मैं उसको एक्सट्रूड, रिवोल्व, जो भी मुझे रिक्वायरमेंट होगी उस हिसाब से मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। तो ये होता है प्लेन का यूज। ठीक है, अब उसी तरीके से क्या होता है, इसमें आता है एक एक्सिस की बात करते हैं रेफरेंस में। एक्सिस क्या होता है कि जैसे मान लो आपका जो रिवॉल्व फीचर है, ठीक है, रिवॉल्व फीचर जो काम करता है वो क्या करता है, किसी रेफरेंस के रेस्पेक्ट में। ठीक है, या सर्कुलर पैटर्न की बात कर लें तो सर्कुलर पैटर्न में बेसिकली इसका ज़्यादा यूज होता है। मतलब आप जैसे एक सिलेंडर बना रहे हैं, ठीक है, तो उस सिलेंडर के इसमें क्या होता है, जो एक्सिस क्या करना होगा, मुझे उस सिलेंडर को सिलेक्ट करके उसका एक्सिस बना देना होगा, और फिर एक्सिस के रेस्पेक्ट में आप अपना ईजिली सर्कुलर पैटर्न लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली ऐसे, एक बार मैं इसको आपको इसको भी दिखा देता हूँ। ठीक है, एक बार फ्रंट प्लेन नॉर्मल, ठीक है, स्केच, ठीक, मैं सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, ओके, फीचर में गए, एक्सट्रूड किया, ठीक है, ओके, और बाहर आ गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इसका एक सेंटर एक्सिस बनाना है। ठीक है, मुझे जो इसके सेंटर से पास हो, ठीक है, मैं क्या जाऊँगा, एक्सिस पे जाऊँगा, ये इसमें रेफरेंस में जाऊँगा, एक्सिस पे क्लिक करूँगा, किसका बनाना है, इस सरफेस को, अभी येलो कलर का आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो इस हिसाब से आप अपने हिसाब से इसको
कर सकते हैं, ठीक है। और अब इसके बाद मुझे मान लो इस पे कोई, जैसे मुझे एक सर्कुलर पैटर्न बनाना हो, तो मैं जाऊंगा स्केच में, ठीक है, एक मैं क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है। जैसा अभी मेरा, इसको मुझे क्या करना है, इस पे सर्कुलर पैटर्न अप्लाई करना है। तो मैं क्या करूंगा, अपने पैटर्न में जाऊंगा, सर्कुलर पैटर्न, ठीक है, और इसको सेलेक्ट कर लूंगा किसके रेस्पेक्ट में, इस एक्सिस के। तो ये आप देख सकते हैं, आपका इजीली रेडी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका यूज बेसिकली इस यूज में आता है, बाकी और जैसे अभी अपन आगे डिजाइन करेंगे और, तो उसमें धीरे धीरे आपको जैसे प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो गाइस आज का लेक्चर अपन यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपन बचे हुए फीचर की बात करेंगे, और उसके नेक्स्ट लेक्चर से अपना असेंबली के साथ साथ अपने थोड़ा बहुत मिनी प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है गाइस। तो ये लेक्चर अपन यहीं पर ही कंप्लीट करते हैं।